सच्चाई दिखाने पर सनहौला अंचलाधिकारी ने पत्रकार को धमकाया। भागलपुर जिले के सनहौला अंचल अंतर्गत राजस्व कार्यालय का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूर्व में हुए वायरल वीडियो को लेकर पत्रकार रंजन कुमार को सनहौला अंचलाधिकारी के द्वारा धमकी दी जा रही है। पत्रकार रंजन कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की पुष्टि हेतु जब मैं अंचलाधिकारी से बात करने गया तो सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल बाहर रखवा दिया। इसके बाद अंचल कार्यालय में प्रवेश करने दिया गया। जैसे ही अंचल कार्यालय में प्रवेश किया तो अंचलाधिकारी सनहौला कृष्ण मोहन कुमार मेरे ऊपर हावी हो गए। मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि तुम यहाँ से पत्रकारिता की है, तुम्हारी डिग्री क्या है, किसको पूछकर तुम राजस्व कार्यालय का वीडियो न्यूज में चलाया। इतना ही नहीं, पत्रकार रंजन ने बताया कि अंचलाधिकारी कृष्ण मोहन कुमार ने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी और मेरे साथ अभद्रता से पेश आया। साथ ही कहा कि बहुत उछल कूद करते हो, केस में फंसा कर जेल भेज देंगे। साथ ही पत्रकार रंजन कुमार ने कहा कि इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव को लिखित रूप से दी है, जिसमें बताया गया है कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। लिखित आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे जलील किया गया, जिससे मैं मर्माहित हुआ हूं, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सनहौला अंचलाधिकारी कृष्ण मोहन कुमार होगा। सवाल बहुत बड़ा है कि पत्रकार को अफसरशाही का धौंस दिखाया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या अंचलाधिकारी के द्वारा पत्रकार को धमकाना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? वायरल वीडियो पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उल्टा पत्रकार को ही क्यों घसीटने का प्लान बनाया जा रहा है? कहीं ऊपर के पदाधिकारी का खाना पूर्ति तो नहीं हो गया? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अनुमंडल पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या क्या मामला है आप जो अनुमंडल कहलगांव आए हुए हैं? मामला ये है कि हमने 18 तारीख को एक फुटेज दिखाया था सनहौला अंचल कार्यालय का, जिसमें दलालों के जमावड़ा से संबंधित खबर चलाया हुआ था। अच्छा। उसी के एवज में कल जब हमने अंचलाधिकारी से बात करनी चाहिए तो मिलने के लिए गए हुए थे हम, तो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हमने बोला कि हम आए हुए हैं, सीओ साहब को सूचना दीजिए कि हम मिलने के लिए आए हुए हैं। तो गार्ड वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने हमको बोला कि मोबाइल आप पहले जमा कीजिए। सबसे पहले मोबाइल आपका मतलब मकसद क्या था जो आपका मोबाइल जमा किया गया? मकसद आप फिर से बताना चाहेंगे कि मोबाइल जो हमको बाहर में रखवाया, उसके बाद जो हमको अंदर बुलाया सीओ साहब, तो हमको पूरा डांट फटकार, पूरा धौस दिखाए, पूरा एकदम जोर जोर से आवाज निकल, पूरा ऑफिस जो है ना पूरा एकदम गमगीन हो गया था उसके आवाज से। मतलब क्या डांट रहा था आपको, मामला क्या डांट रहा था कि आप न्यूज क्यों दिखाए, न्यूज जो दिखाए आप तो इस पर हमको पूछने का अधिकार नहीं है, आप बड़े अधिकारी से जाके पूछिए, और आपका घर कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ से डिग्री प्राप्त किए हैं, ये सब सूचना, और झूठे केस में फंसा देंगे, ऐसा जब हमको बोला। तो उसके बाद एक आदमी और थे हमारे साथ, वो फिर चिल्लाने लगे तो आवाज़ सुन के एक आदमी और अंदर चले गए, तब सीओ थोड़ा नॉर्मल से बात करने लगे तो एक दो बात हुई, उसके बाद हम उठ करके वहाँ से बाहर चले आए। आपको ये चीज़ का डर है कि अगर आप रात को चलते हैं कि कहीं हमको कुछ हो जाए, ये चीज़ का डर है आपको? हाँ, इसीलिए हमने वहाँ से जैसे ऑफिस से बाहर निकले तो आधा एक घंटे के बाद हम SDM सर को कॉल किए कि हमारे साथ सीओ ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया, तो फ़ोन पे हमको बोले कि ठीक है आपकी समस्या सुनी जाएगी, आप हमारे पास कल आवेदन लेकर के आइए, आवेदन दीजिए हमको, हम उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक मामला और है कि आप जो अनुमंडल अधिकारी को SDM साहब को जो आवेदन दिए हैं, SDM साहब इसमें क्या बोले? SDM सर बोले इसमें निष्पक्षता के साथ आपकी जाँच की जाएगी वहाँ की कार्यालय की, और जो भी दोषी होगा उसको हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, सुनने में आया है कि जगत न्यूज़ के कुछ साथियों के साथ जो है इनलीगल नोटिस भेजा गया है। जी, सुनने में आया है, हमको भी सुनने में आया है कि एक हमारे साथी ही हैं, उनको नोटिस किया गया है। आपको क्या लगता है? ये जो है सरासर सीओ की साजिश के तहत सभी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि हमने सच्चाई दिखाया, ना ही कभी डरे हैं ना डरेंगे, चाहे जितना भी सीओ दाउस दिखा ले हम लोगों पर, सच्चाई दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो नोटिस भेज रहा है, किसी को केस करने का धमकी दिया जा रहा है, किसी का घर तोड़वाने का धमकी दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये साजिश के तौर पर अपना दुश्मनी के कारण ये सब किया जा रहा है? ये सर उसका पैसा बोलता है, पैसा जो 6,000 रुपया के वाला मोटिशन के नाम पे लेता है ना, तो उसी का पैसा बोलता है उसका। तो क्या चाहते हैं कि सीओ का क्या चाहते हैं? सीओ का हम चाहते हैं निष्पक्ष, उसका संपत्ति का जाँच हो, इतना पैसा लेकर वो करते क्या है? जब खुलेआम वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पैसा 6,000 की मांग किया लिया जा रहा है, जब कर्मचारी के कुर्सी पे जब दलाल बैठे हुए हैं एकदम सरासरी, एकदम दलाल पूरा ऑफिस में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। अच्छा, खबर चलाने के बाद
आपको क्या महसूस हुआ कि कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्या महसूस करते हैं? कार्रवाई जो है कैसे कार्रवाई हुई है, पैसे का खेल, रुपये का खेल जिसको बोलते हैं, रुपया जिसके पास है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे यही साबित होता है। जब खबर दिखाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी अभी कहलगांव में SDM साहब नए नए आए हुए, 3 दिन हुआ है इनका पदभार, आपको क्या उम्मीद लगता है कि SDM साहब कार्रवाई करेंगे? उम्मीद है, SDM सर से उम्मीद है कि वो उचित जो है निष्पक्षता से जांच करेंगे, और भारतीय संविधान पे भी भरोसा है। अभी आपको क्या आश्वासन मिला सर की तरफ से? आश्वासन मिला है कि हम जो है इसका गंभीरता से जांच करेंगे, उसके बाद जो भी होंगे हम उसकी कार्रवाई करेंगे। SDM सर के अलावा और किन्हीं को आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी किसी को नहीं दिया, सिर्फ SDM सर को आवेदन दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजन कुमार, मैं जगत न्यूज 24 का स्वतंत्र पत्रकार हूँ और हमेशा सच्चाई दिखाते रहता हूँ। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर गाजीचक हुआ, धरिया बाका। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।